गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। सो वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास स्टूडेंट। टुडे डेट इज 17 अगस्त 2021 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 6, बर्ड्स आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट, लेट डू लिटिल रिकैप्चुलेशन व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। सो इन द प्रीवियस वीडियो, आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, स्टूडेंट आई स्टार्टेड बुक एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर एंड वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, दीज बर्ड हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स। सो द नेम ऑफ द बर्ड विच हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स, this we have already completed. Option number C is the right answer. Eagle, vultures and kites, these are the flesh eating birds and they have a strong sharp hooked beaks. Okay, now we will start with question number 2. This bird uses its beak like a needle to sew leaves with materials like thread and wool. So options are वेबर बॉर्ड, टेलर बॉर्ड, वोट बैग। सो दिस बॉर्ड uses its beaks like a needle to see leaves with material like thread and wool. So Weber bird, what they do? ये क्या करते हैं, ये grass और sticks को, छोटी छोटी जो wood की लकड़ियाँ, छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं, जैसे बेटा Weber कौन होते हैं जो क्लोथ बनाते हैं, तो वो threads को आपस में क्रिस क्रॉस करके threads बनाते हैं। तो वेबर बॉर्ड इज नॉट ए राइट आंसर। वुड पैकर इज ऑल्सो नॉट ए राइट आंसर, क्योंकि वुड पैकर क्या होते हैं, दे मेक ए होल्स इन द ट्री ट्रंक, ठीक है, ट्री के बार्क जो होती है, छाल होती है पेड़ों की, उसमें वो क्या करते हैं, होल बना के इस तरह वो अपना नेस्ट बनाते हैं। ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर?
राइट आंसर इज द टेलर बर्ड। ये अगर बड़ा पत्ता है तो उसी को ये स्टिच कर देते हैं, नहीं तो अगर छोटे तीन चार पत्ते हैं तो उसको कॉटन या वूल से कम पत्तों को क्या कर देते हैं, स्टिच कर देते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए। दे यूज थ्रेड वूल एंड ड्राई ग्रास आल्सो। ठीक है, दे यूज ड्राई ग्रास आल्सो। सो राइट आंसर इज टेलर बर्ड। A bird's body is covered, bird body is covered with option number A, down feather. ऑप्शन नंबर बी बॉडी फैदर। ऑप्शन नंबर सी फ्लाइट फैदर। सो स्टूडेंट द क्वेश्चन इज ए बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद डाउन फैदर्स, बॉडी फैदर्स, फ्लाइट फैदर्स। सो स्टूडेंट द बर्ड्स हैव थ्री काइंड्स ऑफ फैदर। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फैदर द बर्ड है, द बर्ड है थ्री काइंड्स ऑफ फैदर। ओके, सो वट इज बॉडी फैदर, डाउन फैदर, वट इज डाउन फैदर। द बॉडी ऑफ द बर्ड इज कवर्ड विद अ स्मॉल साइज फैदर, दीज फैदर आर ऑफ स्मॉल साइज and they cover the body of the bird and they due to this the body of the bird is warm also। ठीक है, जो डाउन फैदर होते हैं बेटा ये बर्ड के स्मॉल फैदर हैं एंड दे कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड एंड ड्यू टू दिस द बॉडी ऑफ द बर्ड इज वार्म, सो दैट इज डाउन फैदर। आफ्टर दैट फ्लाइट फैदर, दीज फैदर्स आर लॉन्ग इन साइज, सो these feathers are attached to the wings and this feather help the bird to fly। ये feather किससे, ये long size के होते हैं, wings में होते हैं और tails में होते हैं, wing और tail में होते हैं। ठीक है, और they help the bird to fly। और body feathers क्या होते हैं, body feather rest of the body जिस फैदर से कवर होती है उसको क्या कहते हैं, बॉडी फैदर बोलते हैं। एंड दिस फैदर गिव शेप टू द बॉडी, ये बर्ड के बॉडी को क्या देते हैं, शेप भी देते हैं, तो डैट इज नोन एज बॉडी फैदर। सो ए बर्ड बॉडी इज कवर्ड विद ए डाउन फैदर, डाउन फैदर इज द राइट आंसर बिकॉज दिस फैदर आर स्मॉल इन साइज एंड दे कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड एंड ड्यू टू दिस द बॉडी ऑफ द बर्ड इज वार्म। इज इट क्लियर, डाउन फैदर आर स्मॉल इन साइज, दे कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड एंड ड्यू टू दिस फैदर द बॉडी ऑफ द बर्ड इज वार्म, सो दीज आर नोन एज बॉडी। सो राइट आंसर इज डाउन फैदर्स। Now we will start question number B. Write the correct answer.
the correct answer. So first option is sharp claws of flesh eating birds. So student, when I explained you the topic, at that time I told you that the flesh eating animals, they have very sharp claws and their beak is very strong and hooked shape. जो फ्लैश शीटिंग एनिमल्स होते हैं बेटा, उनकी बीक क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, हुकड की तरह होती है, जिससे कि वो फ्लैश को टीयर कर सके, चीर सके, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सके, ठीक है। और उनके जो क्लास होते हैं, मतलब जो उनके पंजे हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बर्ड्स के पंजों को क्लास बोलते हैं, लेकिन फ्लैश शीटिंग बर्ड्स जो होते हैं, शार्प क्लास ऑफ फ्लैश शीटिंग बर्ड्स is also known as talons. Okay, so sharp claws of flesh eating bird is also known as talons. Question number second. They cover a bird's body and wings. They cover a bird's body and wings. So they cover a bird body and wings. देखो, the birds have three type of feather. One is a down feather which are small in size and they cover the bird body and they give, due to this the bird body is warm due to down feathers. Flight feather help in flying and rest of the body जो होती है बेटा bird की वो किससे कवर होती है, बॉडी फेदर से कवर होती है। और यही बॉडी फेदर जो है बर्ड्स को क्या करते हैं, उनकी बॉडी को एक शेप देते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द बॉडी जो बर्ड की कवर होती है वो बॉडी फेदर से कवर होती है एंड दिस गिव शेप टू द बर्ड बॉडी। ओके, सो दे कवर ए बर्ड्स बॉडी एंड विंग्स। सो व्हाट इज द आंसर, बॉडी फेदर्स। Right answer is body feathers. Next question, that is question number 3. Part of body that helps a bird to flight. So how the birds fly? So which part of a body that helps a bird to fly? So student, now question is how the birds are able to fly in the sky? Birds कैसे उड़ते हैं, क्योंकि birds में क्या है, wings है, is it clear? अब जैसे हम लोग के अपर लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं, हमारे हैंड भी हैं, हमारे पैर भी हैं, लेकिन वी डोंट हैव विंग्स टू फ्लाई।
सो इट इज आस्क इन दिस क्वेश्चन पार्ट ऑफ ए बॉडी, हमें उस पार्ट का नाम बताना है बर्ड के बॉडी के जिससे वो लोग क्या करते हैं फ्लाई करते हैं। सो पार्ट ऑफ ए बॉडी दैट हेल्प्स ए बर्ड टू फ्लाई, आंसर इज विंग्स। बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ ए विंग्स, बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ ए विंग्स। क्वेश्चन नंबर फोर, पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प्स, पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प्स, दैट हेल्प्स ए बर्ड टू टू फीड इट सेल्फ। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड बाय विच पार्ट ऑफ द बर्ड बॉडी, सो विच पार्ट ऑफ द बर्ड बॉडी हेल्प अस टू फीड देम। तो मतलब हुआ इसका कि बर्ड अपना खाना कैसे खाते हैं, हाउ द बर्ड्स ईट देयर फूड। सो स्टूडेंट द बर्ड्स ईट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स एंड क्लास, क्योंकि क्लास से ही वो अपने फूड को होल्ड या कैच करने का काम करते हैं। ठीक है, जो उनके पंजे होते हैं उससे वो फूड को होल्ड या आप कह सकते हो कैच करने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स दे ईट द फूड। सो इट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पार्ट ऑफ ए बॉडी दैट हेल्प्स ए बर्ड टू फीड इटसेल्फ। सो हाउ द बर्ड ईट द फूड, सो द बर्ड ईट द फूड विद द हेल्प ऑफ बीक एंड क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एज। फर्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड विद शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक। So we have to give the example of two birds which have short beak. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था birds के नाम जब हम लोग ने beak discuss करना start किया था, क्योंकि due to different feeding habits the birds have different types of a beaks. ठीक है, birds की different types of beak होती है due to different feeding habits. So
बर्ड्स विद शॉर्ट बीक दैट आर स्पैरो पिजन पिकॉक दीज आर द बर्ड्स विच हैव शॉर्ट बीक एंड दे हैव शॉर्ट बीक सो व्हाट दे डू विद देयर बीक दे क्रश सीड्स और पिकॉक तो स्नेक को भी खाता है ठीक है तो वो ओमनिवोरस कैटेगरी में आएगा प्लांट प्रोडक्ट भी खा रहा है और प्लांट्स के पार्ट्स भी खा रहा है और फ्लैश भी खा रहा है ठीक है स्पैरो स्पैरो और पिजन क्वेश्चन नंबर टू बर्ड्स विद स्ट्रॉन्ग बर्ड्स विद स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक हुक्ड बीक सो विच टाइप ऑफ बर्ड हैव ए स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक सो कार्निवोरस What is the answer, student? Carnivorous. ठीक है Flesh eating birds. Flesh eating birds have a strong, sharp and hooked shaped beak. So, what is the answer? Carnivorous bird or you can say flesh eating birds have strong, sharp and hooked beak. So, what are the eagle and vulture? These are the name of the bird which have strong, sharp and hooked beak. And these are carnivorous birds. Means these are flesh eating birds. These are flesh eating birds. Third question, birds with broad and flat beak. इनकी बीक क्या चौड़ी होती है और फ्लैट होती है ठीक है बर्ड्स विच हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक तो ब्रॉड और फ्लैट बीक किसकी होती है बेटा डक की एंड स्वान नाउ स्टूडेंट टेक आउट योर क्लासवर्क कॉपी अब सबको ये अपनी क्लासवर्क कॉपी निकालो बेटा क्योंकि बुक एक्सरसाइजेस वी विल कंप्लीट इन द बुक एंड क्वेश्चन आंसर एंड डायग्राम वी विल ड्रॉ इन आवर क्लासवर्क कॉपी नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट योर क्लासवर्क कॉपी क्वेश्चन नंबर Answer the following questions. Question 1. Answer the
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नाउ सी स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज ए डक weak different how is a duck weak different from that how is a duck weak different from that of a sparrow. So first of all let us discuss the question and after that I will give you the x, then I will write the answer on the board and you will note down. First of all let us discuss the question. Now in this question, question is how is a duck's beak different from that of a sparrow. So in this question student, it is asked what is the difference between a sparrow and duck beak. Beak matlab hoti hai chonch, matlab sparrow aur duck ke beak mein kya difference hai, what is the difference. To jo sparrow ki beak hoti hai beta wo short hoti hai, theek hai, sparrow ki beak short hoti hai and they क्रश द सीड, किसी चीज को दबा के उसके टुकड़े कर देना, क्रश मतलब होता है किसी चीज को दबा के उसको टुकड़े कर देना, ठीक है। तो स्पैरो की बीक क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है, शॉर्ट बीक होती है एंड इट यूज इट बीक्स टू क्रश द सीड। और ये अपनी बीक को किस काम में यूज करता है, ये अपनी बीक को सीड को क्रश करने में यूज करता है। इन दिस मैनर ही ईट द फ्रूट। अब नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट द डक बीक, तो डक की बीक क्या होती है बेटा, बहुत ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, ठीक है, एंड फ्लैट होती है। डक की बीक क्या होती है, ब्रॉड और फ्लैट होती है। और डक आपको ये मडी वाटर में आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। सो हाउ व्हाई द बीक ऑफ द डक इज ब्रॉड एंड फ्लैट, द बीक ऑफ द डक इज ब्रॉड एंड फ्लैट इसलिए होती है क्योंकि ये स्कूप करती है उस मड वाले वाटर को, ये अपने बीक में ले लेती है डक, ठीक है, मड वाटर को अपने बीक में डक ले लेती है। एंड आफ्टर डैट आप लोग इसकी बीक को ऑब्जर्व करोगे, डक की बीक में होल्स होते हैं, ठीक है, होल्स बोथ साइड स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं डक की बीक में। सो इट स्कूप्स द मड वाटर इन टू द बीक, देन व्हाट्स हैपन, mud and water come out from that holes which are present in the beak of the duck. So ये क्या करती है, scoop करती है muddy water को। इसके खाने का देखो अलग तरीका है, ये muddy water को scoop कर लेती है, अपने beak में ले लेती है and there are holes present in the beak of the duck. So from these holes water and mud comes out. अब इस होल का क्या है, यहाँ पे रोल प्ले हो रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस होल्स प्रेजेंट इन द बीक ऑफ द डक। सो इस होल में से मड और वाटर क्या होता है, आउट हो जाता है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द बीक, अब डक के बीक में क्या बचता है, स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं एंड स्मॉल प्लांट्स एंड द डक ईट दैट, इज इट क्लियर। सो इन दिस मैनर द डक ईट द फूड, ठीक है। सो वन मोर टाइम आई एक्सप्लेन यू, द बीक ऑफ द डक की जो बीक होती है वो ब्रॉड और फ्लैट होती है, इट स्कूप्स द मडी वाटर इन द बीक, वो बीक के अंदर मडी वाटर को स्कूप कर लेती है और फ्रॉम द होल्स प्रेजेंट इन द बीक ऑफ द डक द वाटर एंड मड कम्स आउट
एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द बीक, दैट इज स्मॉल प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट स्मॉल प्लांट कर लो, प्लांट्स इंसेक्ट, और उसको वो क्या करती है, खा जाती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।